रेन बसेरा के कर्मचारी हैं, ये आपके बीच में आए हुए हैं। रेन बसेरा के कर्मचारी जो लावारिस लोग होते हैं उनकी देखभाल करते हैं, उनका सारा करते हैं, आज उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है सितंबर से लेकर दिसंबर तक। हम दिल्ली के एलजी साहब को क्या बार नोटिस दे चुके हैं, जब भी आश्वासन मिलता है आपकी सैलरी आ जाएगी। और वहां पे ज्वाइंट लेबर का अरुण कुमार जी ने एक आदेश भी पास कर दिया कि इनकी सैलरी रिलीज होनी चाहिए, लेकिन आज तक इनकी सैलरी रिलीज नहीं हुई। ये तो सरकारी महकमे का हाल है साथियों। अगर सरकारी महकमे के अंदर एलजी साहब के होते हुए अगर मजदूरों का शोषण हो रहा है तो प्राइवेट का क्या हाल होगा साथियों, ये देखने वाली बात है। दूसरा साथियों, जो हमारे फैक्ट्रियों के अंदर काम करने वाले मजदूर हैं, एक इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, एक अनुग्रह सेक्टर के अंदर काम करने वाले मजदूर होते हैं, आपको मालूम होगा कि आए दिन फैक्ट्री में आग लग जाती है। अभी मुंडका का देखोगे साथियों, मुंडका के अंदर कांड हुआ, भवाना के अंदर कांड हुआ और अनाज मंडी के अंदर कांड हुआ। आज 10-10 साल 5-5 साल हो जाते हैं, ना तो उनके बच्चों को कोई मुआवजा मिलता, ना उनको कोई सुध लेने वाला होता है। अगर कोई ताजा अगर कांड हो गया तो मीडिया वाले भी आ जाएंगे, एलजी भी आ जाएगा, श्रम मंत्री भी आ जाएंगे और दिल्ली सरकार घोषणा भी कर देगी कि तुम्हें मुआवजा दिया जा रहा है। लेकिन पूछना चाहते हैं साथियों कि जिस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा मजदूर उसका रिकॉर्ड पे नाम है तो उसे मुआवजा मिल जाएगा, और 80% ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां पर मजदूरों के रिकॉर्ड पे नाम ही नहीं होते हैं, तो उसके लिए कोई सुविधा ही नहीं है। लेबर कमिश्नर को नोटिस दिया हुआ तो लेबर कमिश्नर के जो नीचे के अधिकारी है डीएलसी जेएलसी है कि ऊपर से आदेश है किसी कंपनी में हम इंक्वायरी नहीं कर सकते। अगर तुम इंक्वायरी नहीं करोगे तो फैक्ट्री में अंदर काम करने वाला मजदूर है उसकी सुध कौन लेगा, उसका रिकॉर्ड पे नाम कौन चढ़ाएगा। आज हमारे उद्योग नगर मंगोलपुरी ओखला वगैरह इंडस्ट्री एरिया के अंदर जो हमारे फैक्ट्रियों के अंदर काम कर रहे हैं साथियों, वहां पर महिलाओं की दुर्दशा सबसे ज्यादा है। आज दिल्ली सरकार ने 17,492 रुपए न्यूनतम वेतन लागू कर रखा है, लेकिन फैक्ट्री के अंदर जाके देखिए कि जो हमारी महिला कर्मचारी है 8,000-8,500 रुपए काम कर रही है। सुबह अपनी कागज के अंदर रोटियां लेकर आती है और सूखी रोटी खाती है साथियों, लेकिन उसका फायदा बड़े बड़े उद्योगपति कारखानदार उठाते हैं। वो जो अपनी एक कोठी होती है, एक कोठी से 4 कोठी बना लेंगे, एक गाड़ी से 4 कोठी बना लेंगे, लेकिन अगर हमारे फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर है अगर उसकी एक टूटी साइकिल है तो वो नई साइकिल नहीं खरीद सकता। लेकिन यह दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार कहती है कि देश तरक्की कर रहा है, देश महान बन रहा है, मोदी सरकार कह रहे हैं महान बन रहा है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि दिल्ली राजधानी के अंदर 10 लाख श्रमिक काम कर रहे हैं उनकी सुध लेने वाला कौन है। दिल्ली सरकार से पूछो तो कहते हैं एलजी रोक लगा रहा है, एलजी से पूछो तो कहते हैं दिल्ली सरकार रोक लगा रही है। तो हम तो मजदूरों बीच में फंसे हुए ना, तो इनकी सुध कौन लेगा, इनको देखभाल कौन करेगा, इनकी कानून सुविधा कौन दिलाएगा, इन्हें न्यूनतम वेतन कौन दिलाएगा। ये मजदूर आज दर दर भटक रहे हैं। हम लोग यहाँ पर एलजी साहब के यहाँ पर कोठी बंगला मांगने तो नहीं आए, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार और केंद्रीय एलजी साहब जो है वो एक पैटर्न पे चले जिससे सीधा मजदूरों को फायदा हो सके। आज साथियों देश के मजदूरों का दिल्ली के अंदर मजदूरों की दुर्दशा होती रही है, आज इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, आज हमारे मजदूर दर दर भटकते हैं। आज यहाँ पर पूरे देश के अंदर आज 9 अगस्त को विरोध प्रदर्शन जैसे यहाँ हो रहा है ऐसे सभी राज्यों के अंदर हो रहा है साथियों।